तो आपने कई बर्थडे पार्टी देखी होंगी और उनमें शिरकत भी की होगी। इन बर्थडे पार्टियों में जिसका जन्मदिन होता है वो बड़ी ही खुशी के साथ केक काटकर वहां मौजूद लोगों को खिलाता है। लेकिन मेरठ में एक अनोखी बर्थडे पार्टी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ते की थी, जिसमें सैकड़ों लोगों के साथ कैनेडा से मेहमानों ने भी शिरकत की और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पालतू कुत्ते का बर्थडे, जिसमें बकायदा केक काटा गया और केक मेहमानों को खिलाया भी गया। वहीं कुत्ते का बर्थडे मनाने वाले मालिक शमीम अहमद ने बताया कि 4 साल पहले उन्हें ये कुत्ता लावारिस हालत में घूमता मिला था। आसपास में उसके बारे में खूब पड़ताल की, उसके बाद जब मालूम नहीं चला कि वो कहां से आया है तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। इस जन्मदिन की पार्टी में प्रोफेसर शमीम अहमद की बहन तो कैनेडा से डॉगी का जन्मदिन मनाने पहुंची। डीजे की धूम पर जमकर लोग वहां थिरके। सभी ने इस खास जन्मदिन पार्टी में खूब आनंद उठाया। सर, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर शमीम अहमद। मैं एज ए डायरेक्टर जनरल ट्रांसलेम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हूँ, 2005 से वर्क कर रहा हूँ। मेरा जो नज़रिया है, वाइजलेस क्रिएचर जो भी है, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कैट्स हो, कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जितना ये दुनिया हम लोगों के लिए है उतनी ही दुनिया इनकी ही भी है। और इसीलिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स से प्यार करो, इनको भी वो दो। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है कि भीड़ भाड़ की वजह से, ज़्यादा पॉपुलेशन के होने की वजह से, जैसे इंसानों के अंदर आपस में मारकाट हो रही है तो इसके अंदर भी है। जब ये भूखे रहते हैं, आबादी ज़्यादा हो रही है, भूखे रहते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, तो हो सकता है कि कई कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हों। लेकिन हमारे को जो अपनी तरफ से इंसानियत दिखानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके एनिमल्स के लिए करें। जो मेरा ये अपना एक मकसद ये देने का है, ये जो एलेक्स था, इसको 4 साल पहले मैंने कहीं से अडॉप्ट किया था, कोई छोड़ के चला गया था, 2-4 महीने का होगा या 10-15 दिन का, तो इसको मैंने अडॉप्ट किया। और इसके बाद मैंने फिर जो है इसको एक जैसी इसको लाइफ चाहिए थी, वो ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से मैंने इसको प्रोवाइड करी। और शमीम सर की छोटी सिस्टर हूँ, कैलगरी कनाडा में रहती हूँ। एंड थोड़ा सा लाउड बोलिए। कैलगरी कनाडा में रहती हूँ और यहाँ अपने बच्चे के बर्थडे के लिए आई हूँ। कितने उत्साहित हैं, क्योंकि देखते हैं लोग अपने जन्मदिन पर मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोग ऐसे हैं कि जो कि पशु पक्षी हों या फिर जानवर हों उनके साथ क्रूरता करते दिखाई देते हैं। आपके भाई ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि सबको छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम लोग दूसरे के बच्चे का बना सकते हैं तो अपने बच्चे का तो जरूर बनाना चाहिए, वो हमें अनकंडीशनल लव देता है। फिलहाल खास बात ये रही कि इस मौके पर तमाम विभिन्न प्रतियोगिता खेली गईं, जिसमें जीतने वाले को भी उपहार दिए गए। वहीं एक बम्पर प्राइज भी रखा गया, जिसमें एक फ्रिज भी भाग्यशाली विजेता को दिया गया। ये खास जन्मदिन चर्चा में है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। इस दौरान काफी बड़ा केक काटा गया। डॉगी के जन्मदिन पर लोगों में दीवानगी इस कदर दिखाई देखने को मिली कि लोग डॉगी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उसकी फोटो लगी टी शर्ट पहने थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।